चलिए तो आज के क्लास में हम आपको बताएंगे सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार क्या होते हैं। जैसे कि हमने आपको पिछले क्लास में बता दिया था कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी में प्रकार जो आपके रैम क्या होते हैं, रोम क्या होते हैं, कैश मेमोरी क्या होती है, रैम के कितने भाग होते हैं, रोम के कितने भाग होते हैं, सबके बारे में विस्तार से आपको हमने क्या किया था, एक एक करके बता दिया था, ठीक है, पूरी तरीके से कंप्लीट। तो आज हम आपको बताएंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, दूसरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं और इसके भाग मतलब के प्रकार के अंदर उनका काम क्या क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी कहते किसे, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर में देखिए मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो जो मेमोरी होती है उसे कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत, सेकेंडरी मेमोरी को कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत डाटा को स्टोर करने के लिए ही किया जाता है, या और जो भी डाटा उसमें स्टोर किए जाते हैं वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, पूर्ण रूप से अस्थाई होते हैं। यानी कि यदि वो पावर सप्लाई रहता है सिस्टम में तो वो काम करेंगे, पावर सप्लाई नहीं रहता तो वो काम नहीं करते, पूरी तरीके से क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। हमने आपको रोम के बारे में बताया था, ठीक है, रोम के बारे में, ठीक, क्या बताया था रोम के बारे में कि जो रोम होता है ये आपका अस्थाई होता है, यानी कि नॉन वोलेटाइल होता है, लेकिन जो रैम होता था वो वोलेटाइल। ठीक उसी प्रकार जो सेकेंडरी मेमोरी होती है कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए मुख्य रूप से इसे क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी को हम सहायक मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को सहायक मेमोरी भी कहा जाता है, या इसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर के अंतर्गत सेकेंडरी मेमोरी को सहायक मेमोरी या हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, जिस प्रकार प्राइमरी को हम मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसी प्रकार जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, सेकेंडरी मेमोरी को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सहायक मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी या कह सकते हैं कि बैंकिंग स्टोरेज के नाम से भी इसे जाना जाता है। बैंकिंग स्टोरेज मतलब बैंक का मतलब ये क्या होता है, बड़ा सा, मतलब जहाँ पे सभी के पैसे इकट्ठे होते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें सभी के डाटा स्टोर रहते हैं। आप चाहे कंप्यूटर पर काम करें, फिर आपके बाद कोई काम करें, या फिर केवल आप ही का पर्सनल कंप्यूटर है तो उसमें आप बहुत लार्ज लंबे समय मतलब बहुत समय का डाटा क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं स्टोर करके, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का सीधा सीधा हिसाब आप ये समझिए कि सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए ही उपयोग की जाती है। एक और बात जान लीजिए कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, ये तो होती है क्या, ये होती है वोलेटाइल, ये होती है वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होती है कि अस्थाई, होती है अस्थाई, लेकिन इसका जो इस्तेमाल होता है कंप्यूटर में, यानी कि इसका जो यूज होता है कंप्यूटर में, वो नॉन वोलेटाइल के रूप में होता है, नॉन वोलेटाइल के रूप में किया जाता है, मतलब होती है अस्थाई। इसमें जो भी मेमोरियां आपको मिलेंगी सब अस्थाई होंगी, मतलब कि सब मतलब कि वोलेटाइल होंगी, लेकिन जब उसका उपयोग किया जाएगा कंप्यूटर के साथ तो वो क्या वोलेटाइल के रूप में होता है, मतलब कि अस्थाई हो जाएगा, यानी कि बार बार उसको हम निकालेंगे नहीं, बार बार उसको चेंजेबल नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज इस बात को याद रखिएगा कि सेकेंडरी मेमोरी अस्थाई होते हुए भी कंप्यूटर सिस्टम में नॉन वोलेटाइल के रूप में यानी कि अस्थाई रूप में क्या की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। दूसरी बात याद रखिएगा कि सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की जो अपेक्षा, यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी आपकी थी, यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी यानी कि जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी थी, इस मेमोरी के अपेक्षा सेकेंडरी मेमोरी की जो कैपेसिटी होता है ना, कैपेसिटी जो होता है वो अधिक होता है, लार्ज होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब कि बड़ी होती है किसकी अपेक्षा, प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा, प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा जो सेकेंडरी मेमोरी आपका होता है इससे इसके साइज से अधिक इसकी साइज होती है, किसकी, सेकेंडरी मेमोरी की, ठीक है। ये चीज है कंप्यूटर में इसे सीधे सीपीयू से संपर्क नहीं किया जा सकता, सीधे जोड़ा ही नहीं जाता, किसे, सेकेंडरी मेमोरी को, यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी है कंप्यूटर में यदि सोचे कि हम सीधे
सीपीयू से अटैच, प्रोसेसर से अटैच कर दे तो नहीं कर सकते, इसे सीपीयू से सीधे नहीं जुड़ा सकते, मतलब कि जोड़ा ही नहीं जाता, सीधे संपर्क करके इस्तेमाल नहीं किया जाता है। किस मेमोरी का? सेकेंडरी मेमोरी का। हमने देखिए कई सारी बातें आपको सेकेंडरी मेमोरी में बता दिया, ठीक है। तो आप इसमें से किसी को भी रख सकते हैं परिभाषा के तौर पर कि सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसे हम कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत मुख्य रूप से डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, जो लार्ज साइज के डाटा को यानी कि लंबे समय तक के डाटा को स्टोर करती है, जो कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत नॉन, क्या नाम है कि वोलेटाइल होते हुए भी नॉन वोलेटाइल के रूप में इस्तेमाल की जाते हैं। इसे हम क्या सहायक मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी या क्या नाम है कि बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी के नाम से भी इसे हम जानते हैं, ठीक है। किसे? सेकेंडरी मेमोरी को, ठीक है। ये चीज़ अब हम ये देखते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार, टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी इसके प्रकार को जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी के, कि इसके अलग अलग प्रकार क्या होते हैं, टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी में हम पहले आपको बताते हैं सीडी, ठीक है। सीडी, ठीक, सीडी से नहीं, आप फ्लॉपी डिस्क से ले लीजिए, फ्लॉपी डिस्क से, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क से ले लीजिए। देखिए कहीं कहीं पे जो आपका डिस्क होता है ये इस रूप में भी लिखा रहता है, ऐसे भी लिखा रहता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये के होता है डिस्क के लास्ट में, जो के होता है वो शायद हार्ड डिस्क के लिए उपयोग किया जाता है, जो लार्ज साइज के लिए इस्तेमाल होती है कंप्यूटर में। और जो गोल डिस्क में होती, गोल होती पूरी तरीके से, उनके लिए सी इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है, कई जगह, बहुत जगह आपको सी ही मिलता है, तो आप सी से लेकर चलिएगा फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क भी कंप्यूटर सिस्टम में एक तरीके का सेकेंडरी मेमोरी ही है, जिसका इस्तेमाल हम डाटा को स्टोर करने के लिए ही करते हैं। लेकिन फ्लॉपी डिस्क जो था, ये अगर बात किया जाए तो फ्लॉपी डिस्क एक, मतलब कि आयताकार प्लास्टिक के कवर में, एक आयताकार प्लास्टिक के कवर में बंद एक गोल डिस्क होता है जिसके कोने में एक छोटा सा छिद्र बना रहता है। मतलब कि एक प्लास्टिक का आयताकार मतलब कवर होता है, उसमें एक गोल डिस्क के रूप में क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क को ऐड किया जाता है, लेकिन उसके एक कोने में छोटा सा छिद्र बना रहता है, और इस छिद्र को बंद हो जाने के बाद क्या नाम है कि डाटा परिवर्तन किया जाता था। जब छिद्र मतलब कि क्लोज हो जाता था, यानी क्लोज कर देने के बाद तभी डाटा का परिवर्तन किया जाता था, नहीं तो नहीं किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें भी जो डिस्क थे ना, ये जो डिस्क फ्लॉपी डिस्क में थे, ये डिस्क भी ट्रैक और सेक्टर में बटे हुए थे। जो फ्लॉपी डिस्क के डिस्क थे वो भी किस में बटे हुए थे, ट्रैक और सेक्टर में। यानी कि यहाँ पर एक छिद्र होता था, तो इस तरीके से इसमें इस तरीके से ये बटा हुआ था ट्रैक, इसे इस तरीके से बटा हुआ था, तो इसे कहते थे ट्रैक, यानी कि इस वाले हिस्से को कहते थे ट्रैक कहते थे। अब एक एक जो ट्रैक था फ्लॉपी डिस्क में, एक जो ट्रैक था वो कई सेक्टर में बटा हुआ था। यानी कि एक ट्रैक ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे क्या हुए थे, बटे हुए थे। यानी कि जो ट्रैक थे, यानी कि जो फ्लॉपी डिस्क के पार्ट्स थे, ट्रैक को पार्ट्स कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जो पार्ट्स थे वो किस में बटे थे, सेक्टर में बटे थे। यानी कि ये वाला हिस्सा कहलाता था सेक्टर, सेक्टर कहलाता था सेक्टर। और एक सेक्टर में, फ्लॉपी डिस्क के अंदर एक सेक्टर में 512 बाइट, 512 बाइट तक का डाटा स्टोर किया जाता था एक सेक्टर में। एक सेक्टर की बात है, अब इसमें सीडी के अकॉर्डिंग अलग अलग उसमें सेक्टर बनाए जाते थे, और एक सेक्टर में 512 बाइट का डाटा क्या किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। तो मैक्सिमम इनकी साइज बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, ये एमबी तक ही इस्तेमाल होते थे, ठीक है। मैक्सिमम इनकी जो फ्लॉपी डिस्क की साइज होती थी, मैक्सिमम देखा जाए तो 3.5 MB की आती थी, 3.5 MB की। कहीं कहीं पर यह 2 MB का भी बताया जाता है, और 2.5 MB का भी कहीं कहीं पर आपको मिलता है। यानी कि 3.5 MB और 2 MB, ठीक है, और 2.5 MB तक ही आपको मिलती थी। बहुत इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती थी, ठीक है, बहुत इनकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं होती थी, किनकी, फ्लॉपी डिस्क की। और इनका जो साइज होता था ना, साइज यानी कि आकार जो होता था, आकार ये 8 इंच में आते थे, ठीक है, 8 इंच में, और 5 इंच में आते थे, 5 इंच के बाद 5.5 इंच में आते थे, 5.5 इंच में आते थे। यानी कि यह मुख्य रूप से आते थे किस आकार में, 8 इंच में, 5 इंच में, 5.5 इंच में आते थे। तो फ्लॉपी डिस्क जो होता है, देखिए फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार का, देखिए इस फ्लॉपी डिस्क को कहा जाए तो यह कंप्यूटर में भी एक प्रकार का सेकेंडरी मेमोरी के नाम से इसे जाना जाता है। परंतु सिस्टम यह होता है कि फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी कम होने के कारण, ठीक है, लोग इसे बहुत, मतलब कि
अलग अलग एक ही फ्लॉपी डिस्क नहीं, दो दो फ्लॉपी डिस्क क्या करते कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहे थे। अभी आगे एक बार हम इसका और जिक्र करेंगे जब हम हार्ड डिस्क को बताएंगे तब, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरा हम आपको बताते हैं कि एक आपका आता है मैग्नेटिक टेप, ठीक है, मैग्नेटिक टेप आता है, ठीक है, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो होता है ना, ये देखने में पुराने ज़माने टेप रिकॉर्डर कैसेट की तरह था, ऐसे टेप रिकॉर्डर कैसेट की तरह था। इसके एक हिस्से में ऐसे रील को लगाया जाता था, रील को लगा करके इस वाले हिस्से में लगाया जाता था। ये एक प्लास्टिक के कवर में ये भी बंद रहते थे, प्लास्टिक के कवर में ये भी क्या रहते थे, बंद रहते थे। मैग्नेटिक टेप देखने में एक पुराने जमाने टेप रिकॉर्डर कैसेट की तरह थे। इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए रील का उपयोग किया जाता था। किसका, इसे रील कहते थे। पहले जितने भी स्टोरेज के लगभग थे, पहले की बात करें तो रील सबसे बेस्ट माना जा रहा था, रील का लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। आप पहले कैमरे वैमरे का भी देखिए, उसमें क्या आता था, रील ही उपयोग होता था। पहले का कैमरा आप देखिए, उसमें रील आता, तभी बोलते थे कि रील खत्म हो गई, ठीक है, रील ही नहीं चल रही, ऐसा लोग बोलते थे, ठीक है। तो सेकेंडरी जो ये आपका मैग्नेटिक टेप था, ये तो मैग्नेटिक टेप में ये होता था कि इस ये पुराने ज़माने टेप रिकॉर्डर कैसेट की तरह था। इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए रील का उपयोग किया जाता था। एक बार डाटा इसमें स्टोर कर दिया था, यानी कि राइट कर दिया जाता था, यानी कि एक बार डाटा को इसमें राइट कर देते थे, राइट मतलब कि स्टोर कर देते थे, तो कई बार इसे रीड कर सकते थे, ये चीज़ था। लेकिन इसमें डाटा को यदि पुनः रीड करना, राइट करना पड़ता था, तो फिर से राइट भी करवा कर सकते थे इसके अंतर्गत, ठीक है। फर्क ये चीज़ था कि इसके अंतर्गत डाटा को रीड करने के लिए हेड का इस्तेमाल किया जाता था, हेड का एक हेड रहता था, उसके माध्यम से इसको क्या किया जाता था, डाटा को, इसके अंदर के डाटा को पढ़ा जाता था। और एक तरीके से देखा जाए तो इसके अंदर डाटा में अधिकांश लोग वीडियो, म्यूजिक, इन सारे चीज़ों को रखने का काम करते थे। मैक्सिमम जो इसकी साइज रहती थी ना, वो 200 MB से लेकर के आपका 700 MB तक जाता था, या तो 1 GB तक जाते थे, लेकिन 1 GB आपका जाता नहीं था, 200 MB तक ये बहुत हद थे, ठीक है। 200 MB तक क्या थे, रहते थे, कौन से, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक टेप देखने में एक पुराने जमाने टेप रिकॉर्डर कैसेट की तरह होता, जो एक प्लास्टिक के कवर में बंद रहते थे, जिसके अंतर्गत डाटा को स्टोर करने के लिए रील का उपयोग किया जाता था, और रील के अंदर डाटा को रीड करने के लिए एक हेड का उपयोग किया जा रहा था। इनकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती थी वो आपकी होती थी 200 MB से 700 लेके चलते थे लोग, ठीक है, ये चीज था। उसके बाद यदि हम तीसरे की बात करेंगे, तीसरे की, तो सीडी को ले लीजिए। सीडी को कहते हैं कम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, किसको, सीडी को कम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, कम्पैक्ट कहते हैं। देखिए, यदि बात करेंगे कि सीडी का आविष्कार किसने किया था, तो सीडी का आविष्कार किया गया था कब, जेम्स रूसेल ने किए थे। किसने किया था, सीडी का आविष्कार किए थे जेम्स रूसेल किए थे, ठीक है, जेम्स रूसेल ने किया था, ठीक है। जो सीडी थी, सीडी यह एक गोलाकार एक क्या था, मतलब कि देखने में एक क्या थी, गोल डिस्क थी। सीडी जो थी ये एक गोल डिस्क में क्या थी, देखने में गोल डिस्क की तरह थी। इसके बीचों बीच एक छिद्र बना हुआ था, ठीक है। इसके जो प्लास्टिक, ये यानी कि जो ये गोलाकार प्लास्टिक की थी ना, ये पोलो कार्बोनेट की बनी होती थी, ठीक है, पोली कार्बोनेट की बनी होती थी, और ये किनारे किनारे का जो हिस्सा होता था ये एल्युमिनियम के बने रहते थे। और सीडी में भी जो होता है ना, सीडी में भी जो आपका होता है, ये भी आपका ट्रैक और सेक्टर में क्या होते हैं कि बटे रहते थे। ट्रैक और सेक्टर में सीडी भी क्या रहती थी, बटी रहती थी। फर्क ये चीज़ था कि सीडी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत स्टोर किए गए डेटा को पढ़ने के लिए सीडी रोम का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का इसके अंतर्गत डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। सीडी को हम ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर का ऑप्टिकल डिस्क। ये कभी पूछा भी जाता है एग्जाम में कि ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आती है, या फिर निम्न में से किसे ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है, तो सीडी को कहा जाता है। सीडी का आविष्कार किए थे किसने, जेम्स रूसेल ने, बाद में जाकर के 1982 में जाकर के फ्लिप फ्लॉप्स कंपनी के द्वारा, फ्लिप
फ्लॉप्स कंपनी के द्वारा, ठीक है, फिलिप्स फ्लॉप्स कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया, तो उस समय इसमें रील का उपयोग किया जा रहा था, ठीक है, किसके अंतर्गत, सीडी के अंतर्गत, ठीक है, डाटा को पढ़ने के लिए सीडी रोम का उपयोग करते थे, इसलिए जो सीडी रोम है वो सीडी का क्या है कि भाग है, सीडी रोम होता है और एक आपका होता है सीडीआर होता है, जिसे कंपैक्ट डिस्क रिकार्डेबल कहते हैं, कंपैक्ट डिस्क रिकार्डेबल कहते हैं, और एक आपका होता है सीडीआरडब्ल्यू, क्या होता है, सीडीआरडब्ल्यू होता है। तो जो सी डी आर डब्ल्यू होता है कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, री मतलब पुनः फिर से पढ़ने के लिए, ठीक है, ये चीज था, यानी कि सी डी को हमने क्या बताया, तो सी डी को हम ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं, सी डी का जो पूरा नाम होता है कम्पैक्ट डिस्क होता है, सी डी देखने में एक गोल डिस्क होती है जिसके अंतर्गत डाटा को स्टोर करके हम क्या करते थे, यूज करते थे, इसका आविष्कार जेम्स रूसेल ने किए थे, ठीक है, जेम्स रूसेल, और सी डी भी क्या, सी डी के अंतर्गत भी जो क्या नाम है कि सी डी होती है वो भी ट्रैक सेक्टर में बटे होते हैं, ठीक है, इसके जो प्लास्टिक होते हैं ये पॉलीकार्बोनेट के बने होते हैं और किनारे किनारे किसे एल्युमिनियम धातु के बने होते हैं, मैक्सिमम इनकी कैपेसिटी होती थी, मैक्सिमम कैपेसिटी होती थी 700 MB, मैक्सिमम कैपेसिटी होती थी 700 MB, एमबी का मतलब मेगाबाइट होता है, ठीक है, ये चीज था। सीडी से रिलेटेड आपका एक आता है डीवीडी, क्या आता है, डीवीडी आता है, डीवीडी को कहते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहते हैं, ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं पे इसे डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहा जाता है, किसको, डीवीडी को, या देखने में भी सीडी की तरह था, किसकी तरह था, सीडी की तरह था, यह भी देखने में किसकी तरह था, सीडी की तरह था, परंतु ये जो डीवीडी था ना, डीवीडी जो डीवीडी था ये देखने में सीडी की तरह था, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी थी, यानी कि जो इसका कैपेसिटी था वो सीडी से अधिक था, यानी कि इस सीडी से अधिक था इसकी कैपेसिटी, किसकी, डीवीडी की, परंतु एक आपके कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क से कम था इसकी कैपेसिटी, किसकी, सीडी की, सॉरी डीवीडी की, ठीक है, यानी कि सीडी से अधिक और हार्ड डिस्क से कम होती थी किसकी कैपेसिटी, डीवीडी की होती थी, जिसे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहते थे, जो देखने में सीडी की तरह ही होते थे, ठीक है, देखने में सीडी की तरह ही होते थे, इनमें डाटा स्टोर करके बिना स्क्रेच किए हुए, यानी कि यदि इसको ऐसे सेफ रखा जाए, स्क्रेच ना हो, ठीक है, तो लंबे समय तक डाटा को स्टोर करके रख सकते थे। दोनों में डाटा को पढ़ने के लिए लेंस की जरूरत पड़ती थी, लेंस होते थे, लेंस के माध्यम से वो क्या डाटा को रीड किया जाता था, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी कि जो कैपेसिटी होती थी 4.7 GB तक, जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट होता है, 4.7 GB, और मैक्सिमम होती थी 17 GB तक, मैक्सिमम आपकी आती थी 17 GB तक, कौन, डीवीडी आती थी, ठीक है। तो डीवीडी जो होता है वो देखने में सीडी की तरह होता है, इसको भी हम ऑप्टिकल डिस्क ही कहेंगे, डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, कहीं कहीं पे डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी सीडी से कम, हार्ड डिस्क सीडी से अधिक, हार्ड डिस्क से कम थी, कैपेसिटी 4.7 GB से लेकर के मैक्सिमम 17 GB तक का रहता था। इसके भी अलग अलग क्या होते थे कि भाग होते थे, एक आपका डीवीडी रोम होता था, ठीक है, और एक आपका डीवीडी आर था, और दूसरा आपका क्या था, डीवीडी आर डब्ल्यू था, ठीक है। डीवीडी रोम का मतलब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और डीवीडी आर का मतलब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकार्डेबल, और डीवीडी आर डब्ल्यू का मतलब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीराइटेबल होता है, ठीक है, ये चीज है, ठीक। और एक आपका आता है ब्लू रे डिस्क, ठीक है, एक आपका आता है ब्लू रे डिस्क आता है, और ब्लू रे डिस्क जो होता है ब्लू रे डिस्क, ठीक है, इसे हम BRD भी कहते हैं, BRD, ब्लू रे डिस्क आता है, ये भी देखने में DVD की तरह ही था, फर्क ये था कि इसके प्लेट के ऊपर पूरी तरीके से ब्लू लेप लगे थे, लेयर लगे थे, ठीक है, ब्लू लेप लगे थे। इसके भी अलग अलग क्या थे, भाग थे, एक आपका क्या था ब्लू रे, यानी कि एक आपका क्या था BRD रोम था, ठीक है, ब्लू रे डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और एक आपका था BRD R था, ठीक है, एक आपका था VRD, ठीक है, RW था, ठीक है। यानी कि जो CD, DVD, ब्लू रे डिस्क जो थे ये सब क्या थे, गोल डिस्क थे, गोल डिस्क के कारण, यानी कि CD और DVD को ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। तो हमने आपको क्या क्या बताया कि फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, मैग्नेटिक
मैग्नेटिक टेप क्या होता है, सीडी क्या होती है, डीवीडी क्या होती है और ब्लूरे डिस्क क्या होता है, सीडी रोम क्या होता है, डीवीडी सीडी रोम किसके भाग है, सीडी और सीडी रोम किसके भाग है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया। आगे हम आपको बताते हैं हार्ड डिस्क किसे कहते हैं, ठीक है, और हार्ड डिस्क क्या होता है ये देख लेते हैं। चलिए देखिए अगला, अब हम देखते हैं HDD। HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, इसको कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, शॉर्ट में लोग इसे हार्ड ड्राइव भी कहते हैं, हार्ड ड्राइव शॉर्ट में कहते हैं, और कुछ लोग इसे हार्ड डिस्क बोल देते हैं, या तो HDD बोलते हैं, या तो हार्ड ड्राइव बोलते हैं, या तो हार्ड डिस्क बोलते हैं, लेकिन हार्ड ड्राइव ही बोलते हैं। जैसे CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट न बोल करके सीधे प्रोसेसर बोलते हैं, उसी तरीके से शॉर्ट में लोग हार्ड डिस्क को हार्ड ड्राइव बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव का मतलब यानी कि हार्ड डिस्क जो होती है एक, क्या नाम है, कि इस तरीके से पूरी तरीके से कठोर कवर होता है, यानी कि एक तरीके से कहा तो ये एल्युमिनियम धातु के बने होते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम धातु के बने होते हैं। इसमें एक क्या होता है कि गोल्ड डिस्क होता है, ठीक है, हार्ड हो गया आपका एक, ठीक है, और डिस्क हो गया एक, ठीक है, और इस पे एक होता था ड्राइवर, यानी कि हार्ड और डिस्क और ड्राइवर, यानी कि जो इस डिस्क के अंदर डेटा को ड्राइव करने के लिए यानी कि ऑपरेट करने के लिए लगाया जाता था उसे ड्राइवर कहते थे। लेकिन हार्ड डिस्क जो था कंप्यूटर में सर्वाधिक मात्रा में उपयोग होने वाली सेकेंडरी मेमोरी है। क्या है, सेकेंडरी मेमोरी सबसे अधिक मात्रा में उपयोग होने वाली कंप्यूटर के अंतर्गत कौन है, हार्ड डिस्क है, जिसे HDD कहते हैं, इसे द्वितीय मेमोरी कहते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब लगाई जाती है, ठीक है, जब लगाई जाती है तो यह अस्थायी हो जाती है, उस तरीके से अस्थायी होती है, ठीक है, उस तरीके से अस्थायी होती है, सीधे संपर्क नहीं किया जाता इसे CPU से, सीधे संपर्क नहीं करते, क्योंकि इसे पावर सप्लाई से मतलब ही होता है कि पावर सप्लाई रहेगा तो रहेगी, नहीं रहेगा तो नहीं। यानी कि हार्ड डिस्क आपके पास है तो आप उसमें उसको आप CPU में लगाए नहीं है, ठीक है, तो उसमें डाटा है या इसे कोई मतलब नहीं है। जब से लगाएंगे आप कंप्यूटर के अंतर्गत उसे, तो उसमें डाटा जो भी रहेगा तब जाकर के उससे आप कुछ ना कुछ कर पाएंगे। अब जो कुछ आप कंप्यूटर में करते हैं ना, सब कहां रहता है, हार्ड डिस्क में रहता है। जो कुछ कंप्यूटर में करते हैं सब आपका रहता है कहां, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जो कुछ करते हैं। इसलिए हार्ड डिस्क को बताया जाता है कि कंप्यूटर में सर्वाधिक मात्रा में आपका यह उपयोग होती है हार्ड डिस्क। अभी आगे बताएंगे इसके अलग अलग भाग भी होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके पहले जानिए जो हार्ड डिस्क होता है इसे कंप्यूटर में सी ड्राइव के नाम से जाना जाता है, कंप्यूटर में सी ड्राइव के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कंप्यूटर में इसे सी ड्राइव के नाम से क्यों जाना जाता है, इसे AB क्यों नहीं कहा जाता है कंप्यूटर में, कि लोकल डिस्क ए या लोकल डिस्क बी क्यों नहीं जाना जाता है, ठीक है, सी ड्राइव ही क्यों कहा जाता है इसे। तो देखिए जब दुनिया की पहली हार्ड डिस्क बनाई गई थी, पहली हार्ड डिस्क जब दुनिया की बनाई गई थी तो ये इतनी महंगी थी, ठीक है, इतनी महंगी थी, 1956 में बनाया गया था IBM कंपनी के द्वारा, ठीक है, IBM कंपनी के द्वारा, रेनॉल्ड बी जॉनसन थे इनके द्वारा बनाया गया था। ये IBM में कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे और यही क्या नाम है कि बनाए थे IBM। IBM का मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, जो बनाए थे उनका नाम था रेनॉल्ड बी जॉनसन, जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिख पाया, रेनॉल्ड बी जॉनसन था, 1956 में बनाए थे। जब बनाए थे तो 5 MB का था, कितने MB का था, 5 MB का था, यानी कि फिर भी तो फ्लॉपी डिस्क से क्या था, अधिक था ना, लेकिन ये पर्सनल कंप्यूटर के लिए नहीं बनाया गया था। इसलिए पर्सनल कंप्यूटर के लिए जब बनाया नहीं गया था तो पर्सनल कंप्यूटर में इस्तेमाल किसका हो रहा था, तो पर्सनल कंप्यूटर में इस्तेमाल हो रहा था किसका, फ्लॉपी डिस्क का। और फ्लॉपी डिस्क का जब इस्तेमाल हो रहा था तो फ्लॉपी डिस्क की साइज कम होने के कारण लोग कंप्यूटर सिस्टम में दो फ्लॉपी डिस्क लगाते थे, एक फ्लॉपी डिस्क का नाम ए रहता था, दूसरा का नाम क्या रहता था, बी रहता था, दो लगाते थे, बहुत साइज अधिक नहीं रहती थी, इसलिए लोग कंप्यूटर में दो फ्लॉपी डिस्क लगाते थे, एक फ्लॉपी डिस्क का नाम ए
और दूसरे का बी। लेकिन 1992 में जाकर के, ठीक है, 1992 में जाकर के इसे हार्ड डिस्क को अपडेट करके 1 GB का जब बनाया गया तो यह पर्सनल कंप्यूटर के लिए भी कर दिया गया। यानी कि जब कोई भी टेक्नोलॉजी एक बार आ जाती है तो उस पर लगातार काम होता रहता है, इसलिए वो बार बार अपडेट किया जाता है। ठीक है, बार बार उसे अपडेट करने की, आपका फोन ही देख लीजिए, आपके फोन में जितने भी ऐप हैं, ऐसा नहीं कि एक बार डाउनलोड कर लेते अब नहीं, फिर वो 1 महीने बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद अपडेट मांगते हैं, क्योंकि उस पर लगातार काम हो रहा है, जरूरत के अनुसार उसमें चीजें अपडेट की जाती हैं और उसको बार बार डिलीट करेंगे नहीं, और बार बार डिलीट करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत होगा। आप हो सकता है कुछ कीमती डाटा उसमें रखे डिलीट हो जाए, ठीक है, ये चीज है, तो उसको अपडेट करते हैं। तो कोई भी टेक्नोलॉजी एक बार आ जाती है तो उसको बार बार अपडेट किया जाता है, तो इसलिए हार्ड डिस्क पे लगातार काम होता रहा और 1992 में जाकर के 1 GB का जब बनाया गया तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए भी बना दिया गया, जिसके कारण लोग फ्लॉपी डिस्क को हटा दिए और उसके जगह पर रख दिए किसको, हार्ड डिस्क को रख दिए। और जब हार्ड डिस्क को रखे ना तो उसका नाम सी दिखाया, इसलिए दिखाया क्योंकि फ्लॉपी डिस्क हटाए थे, ना कि उसके नाम को हटाए थे। नाम अभी भी कंप्यूटर में रिजर्व है, अभी भी रिजर्व है, इसलिए जब हम कभी भी कोई भी डिस्क लगाते हैं तो आपके कंप्यूटर में ए बी के बाद सी आता, तो सी ड्राइव के नाम से आता है। ठीक है, सी ड्राइव के नाम से आता है, ठीक है, इसलिए आता है। लेकिन यदि हम चाहें तो ए बी के जगह पर, सी के जगह पर ए बी कर सकते हैं, हम चाहें तो सी के जगह पर ए बी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप सी ए बी के जगह पर डी भी कर सकते हैं, ई भी कर सकते हैं, आप उसमें कर सकते हैं। कंप्यूटर के विंडोज में जाकर के क्रिएट पार्टीशन लिखेंगे और क्रिएट पार्टीशन लिख करके ओपन करेंगे तो हार्ड डिस्क का सारा नाम लिस्टेशन आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप कर लेंगे। ठीक है, ये चीज है। तो जो आपका कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर, उसमें सी ड्राइव के नाम से किसे जाना जाता है, हार्ड डिस्क को जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को किस नाम से जाना जाता है, तो सी ड्राइव के नाम से जाना जाता है। बाद में इसको फॉर्मेट करके पार्टीशन में बांटा जाता है, पार्टीशन में अलग अलग बांटा जाता है। हार्ड डिस्क के अंदर भी अलग अलग क्या नाम है कि ट्रैक होते हैं, सेक्टर होते हैं, ठीक है, और क्या नाम है कि अलग अलग, इसमें अलग अलग प्रकार के एरियाएं इसमें होती रहती हैं, होती हैं। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ जानते हैं इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक मात्रा में उपयोग होने वाली एक सेकेंडरी मेमोरी है, जिसे कंप्यूटर में सी ड्राइव के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर के सारे डाटा जहाँ जाके स्टोर होते हैं उसे ही हार्ड डिस्क कहते हैं, यहाँ तक कि आपका OS भी जा करके हार्ड डिस्क में ही स्टोर रहता है। जो रैम का संपर्क होता है ना, रैम जो होता है, रैम वो इसी हार्ड डिस्क पर निर्भर होता है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और किसी प्रोग्राम को क्लिक करते हैं तो हार्ड डिस्क उठा करके किसे दे देती है, रैम को देती है, और रैम पे लगातार रैम पे काम होता है और रैम उसको ओपन करता है, और जैसे ही पावर सप्लाई बंद होती है रैम वापस इसको दे देता है। लाइट ही चली गई तो हम क्या करें, ठीक है, जैसे ही पावर सप्लाई बंद हो गया और रैम डाटा को वापस हार्ड डिस्क में क्या करता है, भेज देता है। और हार्ड डिस्क के कारण ही कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे, जो कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप होता है, ये स्क्रीन जो होती है, यहाँ पे आप कुछ सेव करके रखते हैं ना, सेव करके या फिर कोई 1 GB का सॉफ्टवेयर या 2 GB का सॉफ्टवेयर जो होता है उसको डेस्कटॉप पे रख देते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि जो सी ड्राइव होती है ना, सी ड्राइव उतना खाली रहती है, लोग इसको 100 GB 200 GB खाली करके रखते हैं सी ड्राइव को, इसको पार्टीशन में बांट देते हैं, DEF में बांट देते हैं, तो सी वाले में कुछ भी नहीं रखते, सी वाले में प्रोग्राम रहता है, इसलिए ये खाली रहता है। और खाली होने के कारण कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे कोई भी इमेज वगैरह जो भी होता हम आसानी से रख देते हैं, निकाल करके या सेव करके या डाउनलोड करके या किसी के पेन ड्राइव या फोन से चुरा करके रख देते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पे इसीलिए, क्योंकि ये सी ड्राइव खाली है, और सी ड्राइव जब भर जाती है ना, तो सी ड्राइव भर जाती है तो डेस्कटॉप पे आप कुछ रख नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए लोग सी ड्राइव में कुछ नहीं करते हैं, सी ड्राइव में केवल प्रोग्राम रहता है, अलग से इस ड्राइव को बांट देते हैं अलग अलग पार्टीशन में। ठीक है, और जो बटा हुआ पार्टीशन रहता है उसमें क्या करते हैं कि रखते हैं, सी ड्राइव में नहीं रखते। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग के समय इसी को फॉर्मेट किया जाता है, फुल्ली फॉर्मेट कहते हैं, तो सब पूरे ड्राइव को फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो हार्ड डिस्क, आपको ये समझ में आया कि हार्ड डिस्क होता क्या है। ठीक है, देखिए हार्ड डिस्क के अलग अलग भाग होते हैं, एक आपका आता था पाटा और एक आपका आता था साटा। ठीक है, पाटा जो इसे कहते हैं, इसे पैरेलल कहते हैं। ठीक है, पैरेलल कहते हैं। ठीक है, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कहते हैं, पैरेलल एडवांस, एडवांस पैरेलल, एडवांस पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, अटैचमेंट, और इसे कहते थे सीरियल। ठीक है,
सीरियल भी कहते थे, सिंपल भी कहते थे, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है। जो पाटा होता था ये पहले उपयोग किया जाता था कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत। पाटा जो हार्ड डिस्क होती थी ये पहले कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। जो हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क के अंतर्गत जो डाटा स्टोरेज का मैक्सिमम कैपेसिटी 13 बाइट तक होती है। किसमें? हार्ड डिस्क के अंतर्गत मैक्सिमम डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी 13 बाइट तक होती है। 13 बाइट का मतलब होता है, 13 बाइट का मतलब होता है, शॉर्ट में इसे TB कहते हैं, यानी कि जब 1024 MB मिलके 1 GB बनाता है तो 1024 GB मिलकर के 1 TB बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 1 TB बनाते हैं, जिसे 1000 GB कहते हैं उसे 1 TB कहते हैं, और 1 TB को 13 बाइट कहते हैं, और हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 13 बाइट तक होती है, ठीक है। ये चीज है। तो जो हार्ड डिस्क, ये पाटा जो था, पाटा, ठीक है, ये कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता था पहले, अब नहीं। पहले इस्तेमाल किया था तो इसकी स्पीड बहुत तेज नहीं थी, 133 थी। कितनी? 133, ठीक है, 133। क्या नाम है कि थी इसकी स्पीड? 133 की स्पीड में डाटा को हम ट्रांसफर कर कर इसमें कुछ भी चीजें कर सकते थे, बहुत ज्यादा इसमें नहीं थी। दूसरी बात देखिए कि जो हार्ड डिस्क होती है ये कितने RPM में रोटेशन करती है, कितने RPM में रोटेशन करती है? RPM का मतलब होता है, RPM का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। RPM का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। किसका? RPM का मतलब कितने पर मिनट तक रोटेशन करती है। तो कहीं कहीं पे ये 3600 बताया जाता है, ठीक है, लेकिन ये होता है कितना? 5400 से 5700 पर मिनट तक क्या करती है? पर मिनट रोटेशन करती है हार्ड डिस्क, पर मिनट क्या करती है? हार्ड डिस्क रोटेशन करती है, ठीक है। ये चीज़ है। एक देखिए साटा जो होता है, साटा प्रेजेंट टाइम में आपके कंप्यूटर सिस्टम में, यानी कि आधुनिक समय, इस समय कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किया जाता है साटा को, जो कि इसकी जो मतलब कि स्पीड होती है वो 155 से 600 होती है, 155 से 600 तक होती है। बहुत अच्छा स्पीड देता है, लेकिन SSD से कम देता है, SSD से कम देता है, ठीक है। और एक आपका होता है, एक हार्ड डिस्क आपकी होती है NVMe, एक आपकी हार्ड डिस्क होती है NVMe, नॉन वोलेटाइल, इसका पूरा नाम होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, एक्सप्रेस, नॉन वोलेटाइल मेमोरी हार्ड डिस्क के ये प्रकार है, पाटा, साटा, NVMe, हार्ड डिस्क के क्या है प्रकार है। ये उपयोग की जाती थी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा ट्रांसफर करने की स्पीड को बढ़ाने के लिए, डाटा ट्रांसफर स्पीड को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता था कंप्यूटर में, किस हार्ड डिस्क का? तो NVMe का उपयोग किया जाता, जिसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस कहते हैं, ठीक है। ये था आपका हार्ड डिस्क का, ये भी प्रकार है, ठीक है, ठीक है। और एक आपका होता है SSD, क्या होता है? SSD होता है, क्या होता है? SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका पूरा नाम होता है, ठीक है, जो कि इसे सैंडिस्क के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? सैंडिस्क के द्वारा इसे बनाया गया था, सैंडिस्क जो था इस SSD को बनाया था, जो कि यह हार्ड डिस्क ही थी, लेकिन हार्ड डिस्क के तुलना में इसकी जो स्पीड होती थी ना वो बहुत अधिक होती थी। किसकी? SSD की स्पीड हार्ड डिस्क के तुलना में अधिक होती थी, परंतु इसकी कैपेसिटी हार्ड डिस्क की तुलना में कम थी। SSD जो आती है मैक्सिमम आपकी 512 GB तक आएगी, जीबी तक ही रहेंगी, लेकिन ये 13 बाइट तक जाती है, ये जीबी तक ही रहती है, ठीक है, लेकिन स्पीड इसकी अच्छी होती है इन सबके कंपेरिजन में, और इसकी स्पीड अधिक नहीं होती है। ये अधिक क्या नाम है कि महंगी होती है, ये बहुत महंगी नहीं होती है। SSD महंगी होता है, मतलब इसको लगाने से कंप्यूटर पूरी तरीके से स्मूथ हो जाता है। जिसके सिस्टम में हार्ड डिस्क होगी ना, कभी देखिएगा हार्ड डिस्क में डाटा रहता है, जब खोलते हैं तो कंप्यूटर के टास्क बार में हरे कलर की पट्टी जाती है, ऐसे जाती है पट्टी, ठीक है, जैसे ही हरे कलर की पट्टी कंप्लीट होगी तभी हार्ड डिस्क में डाटा खुलता है। लेकिन SSD में ऐसा नहीं होता है, क्लिक करेंगे ओपन होगा, क्लिक करेंगे ओपन होगा। तो SSD एक ऐसा हार्ड ड्राइव है, यानी कि एक ऐसा डिस्क है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर के जिसके अंतर्गत डाटा को
मतलब कि काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होता है, ठीक है, किसके SSD के बारे में। लेकिन हार्ड डिस्क के कंपेरिजन में ये बहुत मजबूत नहीं होती है, ये बहुत मजबूत नहीं होती है, कौन SSD, लेकिन महंगी होती है इसके कंपेरिजन में, स्पीड अच्छी होती है इसके कंपेरिजन में, ठीक है, लेकिन इसके कंपेरिजन में इसकी साइज बहुत ज़्यादा नहीं होती, किसकी, हार्ड SSD की, ठीक है। और एक आपका आता है पेन ड्राइव, ठीक है, एक आपका आता है पेन ड्राइव कहिए या फ्लैश ड्राइव कहिए, दोनों की बात एक ही है। तो जो फ्लैश ड्राइव होता है, ये वर्तमान समय की सबसे पॉपुलर मेमोरी होता है, जिसे कंप्यूटर में USB पोर्ट के माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है। USB का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, USB पोर्ट के माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है, किसे, फ्लैश ड्राइव को, ठीक है, फ्लैश ड्राइव को USB पोर्ट के माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत, वर्तमान समय की सबसे ये पॉपुलर मेमोरी होता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो हमने आपको क्या क्या बताया, हार्ड डिस्क क्या होता है, CD क्या होता है, CD क्या होती है, DVD क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक टेप क्या होता है, फ्लैश ड्राइव क्या होता है, SSD क्या होता है, SATA या PATA क्या होता है, NVMe क्या होता है, एक कंप्लीट तरीके से हमने आपको बताया, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।